हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने एनसीईआरटी की तीन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज 8.1, 8.2 और 8.3। और आज जो है हम इसका लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.4, जो कि बेस्ड ऑन दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और यही एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा टफ्ट है पूरे मतलब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी जो एक्सरसाइज में फंसते हैं, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो उसको हम करेंगे, एक एक सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती क्या है और वो कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको जो 10th क्लास के सिलेबस में है आपको यूज करनी है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे कई जगह। और देखिए ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, हम एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी को डिराइव भी कर सकते हैं। अगर यदि आपने भूल गए कभी तो आप कम से कम अगर ये फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखेंगे इससे हम ये दोनों आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि मैं फर्स्ट आइडेंटिटी लूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, यदि मैं पूरे इक्वेशन को LHS और RHS में डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको सेपरेट हम कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या होता है, साइन अपॉन जो कॉस होता है ये 10 होता है, तो यहाँ पे 10 थीटा, ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1, और इधर देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये जो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इस फर्स्ट से सेकेंड आइडेंटिटी डिराइव कर ली, कैसे, जब पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो कैसे होगी देखिए, तो अब यहाँ हमने पहले केस में कॉस किया था, अभी हम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, अभी इनको सेपरेट कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इधर देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये साइन साइन कट गया, ये आ गया 1, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो यहाँ आप लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से देखिए थर्ड आइडेंटिटी डिवाइड हो जाती है जब आप साइन से डिवाइड करते हैं। तो यदि आपको एक याद है तो ये दोनों आप डिराइव भी कर सकते हैं, और वैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, आप इसको याद भी करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो ये याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर जो बेस्ड है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। अच्छा, इसमें हम इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और मैं बता देता हूँ कि किस किस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो आइडेंटिटी है उससे हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, या अगर आपको केवल साइन थीटा अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया साइन का निकालना है। वैसे आप इससे कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप साइन को ट्रांसफर कर लीजिए राइट में, और अगर केवल कॉस थीटा चाहिए तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप साइन और कॉस को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट से। अब वही चीज आप यहां भी कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी में, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने निकाला sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, आप 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और केवल टेन थीटा चाहिए तो इसको अंडर रूट ले लो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका अंडर रूट। वैसे ही cot का भी आप निकाल सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इससे हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और केवल cot थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट में आप लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो इस तरीके से आप इसको मैनुपलेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसको एक और तरीका है, एक और तरीके से हम कर सकते हैं, यदि हम 10 को राइट में ले आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचा 1, tan इधर आ गया। तो ये जो है इस तरीके से, अगर कभी आपको ऐसा मिले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। और वैसे यहाँ भी अगर cot को ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 आप दो टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखिए 1 की वैल्यू एक ही ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, या 1 की वैल्यू आप sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और या cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप तीन बेसिकली आइडेंटिटीज थे, अगर हम माना जाएगा तो एक ही आइडेंटिटीज से हमने ये दो ड्राइव कर ली, और फिर अलग अलग तरीके से हम किस किस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आपने देखा। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो यहाँ पे आपको करना क्या, कन्वर्ट करना है sin, cos और tan को cot के टर्म्स में लिखना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम ये वाला टर्म सबसे पहले यूज कर रहे हैं। आप क्या करें, ये जो कोसेक होता है ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी अपॉन में नहीं, गलत हो गया, ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ये तो रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, केवल कोसेक स्क्वायर ये चेंज होगा, ये तो एज इट इज है, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर सकते हैं, या हम क्या कर लें, रेसिप्रोकल ले लें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ इसका, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये उल्टा हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये हमारा आ गया साइन थीटा, यहाँ पे हमें ए लेना था ना, तो एंगल में थीटा की जगह ए ले लेते हैं, ए ए यहाँ भी ए ले लेते हैं, यहाँ भी ए ले लेते हैं, ए, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए पहला वाला जो साइन वाला टर्म है ये आ गया किस टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में आ गया। मतलब आपको आरएचएस में क्या करना है, सब केवल कॉट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे sec स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करी, फिर ये रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर रूट ले रहा ले लिया, तो आ गया 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका होल अंडर रूट, ठीक है। अब हम दूसरा आइडेंटिटी यूज करें, अब हम क्या कर सकते हैं, एक और हमको आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमें पता है, अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं sec a निकालने के लिए। कैसे निकालें, तो देखिए, तो लेकिन हमें cot चाहिए, यहाँ tan नहीं चाहिए, तो tan को हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan का रेसिप्रोकल, tan जो है cot का रेसिप्रोकल है, तो इसकी जगह 1 बाय cot लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय cot स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इधर है sec स्क्वायर है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो sec a इज इक्वल टू होल अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय cot स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, LCM लेके अगर चाहें तो एक और तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cot स्क्वायर a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो सकता है, और ये भी cot के टर्म्स में हम sec a को ऐसे लिख सकते हैं। अब tan की बारी है, तो देखिए tan में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, tan a डायरेक्टली लिखना है 1 अपॉन cot a, cot का reciprocal,
ठीक है। तो ये इस तरीके से टैन ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, केवल आपको आइडेंटिटीज का यहाँ पे आपको यूज करना था कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन। अब ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक है। तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही करना है आपको, लेकिन यहाँ पे जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो सबको आपको कन्वर्ट करना किस फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो सेक को तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक तो सेक ही है, यानी पांच आपको, पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सेक को छोड़ के हैं, आपको सेक के टर्म्स में लिखना है। अब वो कैसे करेंगे, तो देखिए एक एक करके हम करते चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए को कन्वर्ट करना है हमें सेक के टर्म्स में। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन को पहले कन्वर्ट करते हैं कॉस के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हमको पता क्या है, पिछला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, साइन को हम कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। साइन को हम कॉस के टर्म्स में फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। अब जो है कॉस को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेक में, कॉस होता है वन अपॉन सेक, तो इसको आप लिखेंगे वन माइनस वन बाय सेक स्क्वायर होल अंडर रूट, इतना आप करेंगे हो गया आंसर। अब चाहे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम इसका लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए होल स्क्वायर पूरा अंडर रूट। अब चाहे तो नीचे वाला सेक स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो न्यूमरेटर केवल अंडर रूट में रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन ये अंडर रूट में और डिवाइड में सेक ए, ठीक है। तो ये भी कर दिया, तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, ये भी, किसी भी फॉर्म में आप जहां सेक आ गया वहां आके छोड़ देंगे तो वो आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब कॉस को कन्वर्ट करना है, तो कॉस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस होता है वन बाय सेक है, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम टेन, टेन ए, टेन ए को कैसे कन्वर्ट करें, तो टेन ए को हम लिखते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में, साइन ए अपॉन कॉस है, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को अभी हमने यहाँ लिखा ना वन माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में जो कॉस ए है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस है, ऐसे, ठीक है, ये रूट के बाहर है। तो ये साइन है और ये वन अपॉन कॉस है, इन दोनों को ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस को सेक में, तो कॉस होता है वन अपॉन सेक और वन अपॉन कॉस हो जाएगा सिंपली सेक, तो ये जो है बन जाएगा सेक सेक है, वन अपॉन कॉस को लिखा सेक है। अब ये इसको, ये रूट वाले टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे, वन माइनस वन बाय सेक स्क्वायर, ठीक है। इतना आपने कर दिया तो भी हो गया आंसर, और अगर सिंपलीफाई करना है तो एलसीएम लेके जैसे हमने यहाँ किया ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ एक स्टेप और लिख देता हूँ, सेक ए और ब्रैकेट रूट के अंदर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर वाला सेक स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा और इससे कट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, यह है सेक ए और वन माइनस सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है वो रूट से बाहर निकलेगा, तो ये सेक बाहर निकल गया और ये वाला न्यूमरेटर वाले से कट जाएगा, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है सॉरी रूट के अंदर है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सेक के टर्म्स ऑफ टेन ए को, ठीक है। तो ये देखिए ये बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, कितनी बार कन्वर्जन करना पड़ा, तो आप करिए जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही आपको आगे के जो क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं शॉर्टकट मेथड भी आपको बता देता हूं, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हैं जो थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको अभी रब करता हूं। तो देखिए एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अगर आप इस आइडेंटिटी से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टेन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे दो ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हुआ टेन का, अब हम करते हैं कॉट का। तो अब कॉट की हमें वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सेक, तो हम क्या करें, हमको कॉट की आइडेंटिटी पता है, कॉट होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस वन, वन को आप इधर ले आए, ठीक है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, ये कोसेक जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, ये होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर माइनस वन, ऐसे कर लो, ठीक है। अब जो है साइन स्क्वायर होता है वन माइनस कॉट कॉस स्क्वायर, कॉस के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके, ये एक डिनोमिनेटर वाला टर्म है और ये जो वन है वन के नीचे वन है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वन इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो वन वन जै वन, फिर माइनस ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करें, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एलएचएस में देखिए कॉट स्क्वायर है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, आखिरी में लिखूंगा। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी ये वन है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर है, ये वन वन कट जाएगा और बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर, हमको क्या मिल गया, कॉस के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया पूरा। अब हमें कॉस नहीं चाहिए, हमें सेक चाहिए, तो अब कॉस को फिर आप कन्वर्ट कर लो सेक के टर्म्स में। तो देखिए हम जब कॉस को सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा वन बाय सेक स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा वन माइनस वन बाय सेक स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक स्क्वायर, ये इससे डिनोमिनेटर वाली टर्म हट जाएगी, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर कट गया, ये बचा वन अपॉन, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये पहले वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया सेक स्क्वायर है माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा तो ये बच्चा वन, और यहाँ एलएचएस में क्या है देखिए, ये कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो हमें कॉट ए चाहिए, तो आप कॉट ए इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉट को कन्वर्ट करके लिख दिया किसके टर्म्स में, सेक के टर्म्स में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बड़ा ही लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, कि इससे छोटा कोई तरीका आप बता सकते हैं या बना सकते हैं कि इससे कम मेहनत करने पे तीन चार स्टेप में आंसर आ जाए। तो ये आप सोचिए कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करके इससे ईजी कर सकते हैं, मैंने आपको लॉन्ग मेथड कराया है, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड के अंदर दो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको कैसे पता चलेगा आपको किस आइडेंटिटी का किस फॉर्मूले का यूज करना है, देखिए यहाँ पे दो एंगल दिया है 63 और 27, यदि हम 63 और 27 को जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ भी देखिए ये 25 है और ये 65, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आ रहा है, तो मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, हम जो यहाँ साइन स्क्वायर 63 लिखा है,
साइन स्क्वायर 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 63 होता है, और इधर जो साइन है साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही रहने देंगे। देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आएगा आपको एक को कन्वर्ट करना है और दूसरे को ऐसे ही रहने देना है, आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब वैसे डिनोमिनेटर में ठीक है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17, ठीक है 90 माइनस 17 कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हुआ इधर, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज हो गई, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 1 और डिनोमिनेटर में 1, तो फाइनल जो आंसर हुआ इसका इसका आंसर हो गया 1, ठीक है आया समझ में। तो इस तरीके से होता है इसका फर्स्ट पार्ट, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकंड में भी हम फर्स्ट की तरह करेंगे, इसमें से एक को कन्वर्ट करेंगे इसमें से दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पे कॉस 65 को कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए कॉस 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है फिर प्लस, अब यहाँ पे यहाँ मैं कॉस 25 को ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे हम साइन 65 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 65 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 25, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर नहीं है, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे होगा केवल साइन 25 और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 हो गया साइन 25, अरे बार बार स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये हो गया 25 फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये हो गया कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25 कॉस 25 हो जाएगा, अब ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 हो गया ये, और ये कॉस स्क्वायर 25 दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ गया, तो इसका भी जो आंसर है 1, तो दोनों पार्ट का इसमें थर्ड का है आंसर 1 आ रहा है, आया समझ में। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, और यहाँ पे जो है इसमें इसके अंदर चार क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, और यहाँ पे क्या है देखिए 9 sec² - 9 tan² इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, तो यहाँ भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखिए हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी sec² स्क्वायर होता है 1 plus tan² है, ये sec² स्क्वायर की वैल्यू है, अगर हम 10 को हम LHS में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और RHS में क्या बचेगा 1, ठीक है। और यदि हम दोनों साइड इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 sec² a - 9 tan² a, और इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 9, तो जो इसकी वैल्यू देखिए 9 आ रही है, तो जिसका आंसर होगा 9 सही ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट इसका क्वेश्चन, फोर्थ का अब हम करेंगे इसका सेकंड। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का, यहाँ पे ये दिया है और उसके चार ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड -1, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए जब भी आपको समझ में नहीं आए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, किस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो सबसे सही तरीका है सारे टर्म्स को आप साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे जैसे 10 दिया है, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, sec को लिख सकते हैं 1 upon cos, इसी तरह इसको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के टर्म्स में, तो यहाँ हम वही स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला टर्म है इसको हम 1 plus 10 की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और sec की जगह लिखेंगे 1 upon cos θ, ठीक है ये पहला ब्रैकेट। अब दूसरा देखिए क्या है, यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे तो cot होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ जो कोसेक है इसकी जगह लिखेंगे 1 minus 1 upon sin θ, कोसेक साइन का और रिवर्स होता है। तो अब देखिए आपको ये दो टर्म्स मिल गए साइन और कॉस के टर्म्स में, अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे जो इस टर्म में इस ब्रैकेट में जो है एलसीएम कॉस थीटा आएगा, और फिर आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस वन आएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में भी आपको एलसीएम लेना है और आप यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस कॉस थीटा और माइनस वन, ठीक है। ये हमको मिल गया एलसीएम लेने के बाद। ये जो साइन प्लस कॉस है मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ क्योंकि प्लस में है दोनों, तो मैं कॉस प्लस साइन लिख लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्यों किया मैंने, देखिए इसलिए किया मैंने क्योंकि हम जो है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बनेगा, बट न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है कॉस प्लस साइन, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, फिर यहाँ भी कॉस प्लस साइन है इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर में क्या बनेगा देखिए, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ हम करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। यहाँ ए बी की जगह क्या है, कॉस और साइन है, तो इस तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। फिर यहाँ आया माइनस वन और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, ये है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब अगले स्टेप के लिए देखिए, ये जो कॉस प्लस साइन है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन, इसकी वैल्यू वन होती है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे वन, तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए वन और वन तो कैंसिल हो जाएंगे, वन माइनस वन जीरो, केवल न्यूमरेटर में टू साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, तो ये कॉस कॉस से कट जाएगा, साइन साइन से कट जाएगा, तो केवल टू बचा, ठीक है। तो सब कटने के बाद टू बच रहा है, मतलब इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन है टू, ठीक है, आया समझ में। तो अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, तो देखिए ये फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ भी पिछले क्वेश्चन के जैसे हम वही स्ट्रेटेजी इसमें यूज़ करेंगे, सारे टर्म्स को हम साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये वन माइनस साइन है यहाँ तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, केवल सेक और टेन को हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यदि मैं सेक और टेन को कन्वर्ट करता हूँ, तो सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा वन माइनस साइन है, ठीक है, यस है, डिनोमिनेटर में वन है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया कॉस ए, एलसीएम हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया वन प्लस साइन है, ठीक है, और बाजू में है वन माइनस साइन है, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या हुआ, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब वन माइनस ये वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस की आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब नीचे वाला कॉस ए ऊपर वाले एक से कट हो जाएगा, तो केवल ऊपर बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए इसका आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन है इसका, कॉस ए, ठीक है। तो ये थर्ड हुआ, अब हम इसका करते हैं लास्ट फोर्थ का, जो कि है फोर्थ। तो देखिए ये है फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए दिया है। तो अब यहाँ पे आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, वन प्लस सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं इसकी जगह सेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब sec और cos को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, sec होता है 1 बाय cos स्क्वायर ए और cosec होगा 1 बाय sin स्क्वायर ए,
ठीक है। अब क्या होगा, साइन ऊपर चले जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये जो है यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए, तो इसका आंसर 10 स्क्वायर ए है, मतलब ये इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो इसके साथ ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये देखिए फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है टोटल, और यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और यही वाला जो पार्ट है, यही जो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में सबसे टफ ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं इसी क्वेश्चन में फंसते हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस में जहाँ प्रूफ करने वाली बात है उनको समझ में नहीं आती है। तो देखिए इसको हम करेंगे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री में जो जब भी प्रूफ वाला जो आएगा एक तरीके नहीं होते, कई तरीके होते हैं, और कौन सा तरीका आपके लिए कंफर्टेबल है आप देखिए अलग अलग तरीके से समझिए कैसे करते हैं। तो मैं भी अपने तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रूफ करना है आपको दिस इक्वल टू दिस, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले एल एच एस लें उसको सॉल्व करें और उसको आर एच एस के बराबर ले आए, या ऐसा कर सकते हैं आप आर एच एस से स्टार्ट करें और उसको मैनिपुलेट करते हुए आपको एल एच एस के बराबर लाना है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या तीसरा तरीका ये है आप एल एच एस को भी सॉल्व करते चलो, आर एच एस को भी सॉल्व करते चलो, मैनिपुलेट करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलो, और जिस स्टेप में दोनों इक्वल आ गए वहाँ छोड़ देना और बोल देना दे आर इक्वल हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ अभी इसका, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल एच एस से कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए कोसेक और कॉट दिया है तो इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे सिंपल तरीका होता है, जब भी समझ में आए आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर उसको फर्दर प्रोसेस करो। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, एल एच एस लेते हैं, एल एच एस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब जो कॉसेक थीटा है ये होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा ही होल स्क्वायर है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग से होल स्क्वायर लिख ले रहे हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए न्यूमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है देखिए ये डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, इसको मैं भी यहाँ मिटा दूँ तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब डिनोमिनेटर को फिर से देखिए, ये जो 1 है 1 को आप 1 स्क्वायर लिख देंगे तो चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू, ये 1 ही रहेगी। तो अब क्या हुआ, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए अगले स्टेप में हम इसको कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये जो है आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर की जगह मैं दो बार कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार मल्टीप्लाई ही करना है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लेगी तो 1 माइनस कॉस थीटा ही बन जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा ये बन जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक एक कट गया, तो अब क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा एल एच एस था, तो इट इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस इट इज प्रूफ। आए समझ में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और भी हम कई तरीके करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है, 2-3 स्टेप में आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे देखिए कुछ साइन और कॉस में ऑलरेडी एल एच एस दिया है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एल एच एस से ही स्टार्ट करेंगे इसका एलसीएम लेके। ठीक है, तो हम एल एच एस ले रहे हैं और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और न्यूमरेटर में देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पहला स्टेप।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है अगले स्टेप में, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए अब क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लाएंगे तो ए स्क्वायर में हम साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ठीक है ये हुआ। डिनोमिनेटर में एज इट इज कुछ नहीं करना है आपको, कॉस ए 1 प्लस साइन ए ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें आगे, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है ये बन जाएगा 1, ये आइडेंटिटी है तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे ये 1 ही है तो ये भी 1 प्लस 2 साइन ए। अब डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है 1 प्लस 1 2 हो गया। डिनोमिनेटर में कॉस ए 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए फिर 1 प्लस साइन ए, तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। अब क्या बचेगा फाइनली, न्यूमरेटर में 2 है डिनोमिनेटर में कॉस है और 1 अपा और कॉस होता है सेक, तो ये बन जाएगा 2 सेक ए और यही आपका जो है एल एच एस आर एच एस है, ठीक है और इस तरीके से ही एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है, हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और देखिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें हिंट भी दिया है बुक में कि आपको जो है टेन को और कॉट को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस थीटा में और फिर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ यही करेंगे एल एच एस को लेके चलेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में। तो देखिए हम एल एच एस से स्टार्ट करते हैं, अब ये टेन थीटा है ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को आप लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए टेन होता है साइन बाय कॉस तो कॉट होता है कॉस बाय साइन, अब वैसे ही ये तो पूरा है ठीक है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब यहाँ भी वैसे हो जाएगा कॉट हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, तो न्यूमरेटर में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा और प्लस यहाँ भी हम न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर है यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, ये इसके साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या होगा ये कॉस थीटा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे कॉस थीटा और ये हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर प्लस वैसे ये कॉस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में तो साइन थीटा ब्रैकेट में हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हुआ, आया समझ में यहां तक। अब आपको क्या करना है यहां पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो मैं इसको कन्वर्ट करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करूंगा ताकि ये दोनों कॉमन हो जाए। तो लेकिन जब आप ये करेंगे तो यहां का साइन चेंज हो जाएगा, ये था प्लस यहां माइनस हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस को माइनस कर रहे हैं और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा, ये कॉस माइनस साइन था इसको उल्टा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि हमको इसको इसके समान करना था, और अगर ये माइनस को वापस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब हमने इक्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है, ये इक्वेशन वही है, यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज कर दिया। अब देखिए क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है इसका और इसका, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये टर्म तो कॉमन है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन और कॉस। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो आपको समझने के लिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना पड़ेगा। अगर आपको एलसीएम में दिक्कत आएगी तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए एलसीएम आपको लेना, सारे फैक्टर लेना पड़ता है एलसीएम में। अब देखिए अब इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, ये जो सारे फैक्टर हैं इसमें साइन थीटा नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, मतलब साइन थीटा इसके न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा नहीं है ये वाला, तो इसके यहाँ न्यूमिरेटर में कॉस मल्टीप्लाई होगा, जो नहीं होता है वही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो फैक्टर नहीं होगा डिनोमिनेटर में वो न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी ये कॉस क्यूब थीटा है। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आइडेंटिटी आपको यूज करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी से हम जब एक्सपेंड करेंगे तो देखिए वो क्या हुआ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज लिखना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है न्यूमिनेटर के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा। अब ऊपर ये बचा, अब इसमें भी देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू वन होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये बचा सिंप्लीफाई होने के बाद, अब हम क्या कर सकते हैं, अब उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, हम इन नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे। तो इसको लिख देंगे वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन वाले को अलग कर लिया, साइन कॉस वाले को अलग कर लिया, तो इससे हुआ क्या, ये साइन साइन कॉस कॉस कट गया, और यहाँ पे क्या है, तो इसका मैं इधर लिखता हूँ, तो देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो मैं वन लिख दूँ, और ये वन अपॉन साइन और वन अपॉन कॉस है, तो वन अपॉन साइन होता है को सेक थीटा और वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये देखिए यही हमको लाना था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वन प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यही हमारा आरएचएस है, तो हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम एलएचएस से प्रूफ करेंगे, एलएचएस हम लेते हैं वन प्लस सेक ए को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, ठीक है, और न्यूमरेटर में भी वन अपॉन ए है ये सेक ए, ठीक है, सेक ए को वन अपॉन कॉस में आपका नोट कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे आप न्यूमरेटर में तो ये हो गया, सॉरी ये कॉस है, ठीक है, ये भी कॉस है ये भी कॉस है। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो कॉस ए, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए प्लस वन, और यहाँ पे क्या हुआ वन बाय कॉस ए डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अब क्या होगा, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो अपॉन वाला टर्म है इसको हम डिवाइड के टर्म्स में लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम लिखते हैं कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय वन बाय
कॉस ए, और ये हो गया कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए। अब डिवाइड की जगह ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन वन, तो ये कॉस ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा कॉस ए प्लस वन। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा आ रहा है कॉस ए प्लस वन, लेकिन हमें यहाँ तो चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इस टर्म को लाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मिनट। ठीक है, ये जो वन प्लस कॉस ए है इसको हम एक तरीके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, कॉस ए प्लस वन, इसको वन प्लस कॉस ए लिख रहा हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कॉस ए का, ठीक है, और डिवाइड करेंगे वन माइनस कॉस ए। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला टर्म चाहिए ना डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस ए, लेकिन डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए। अब ये क्या है, ए ए वन का स्क्वायर तो वन ही होता, तो स्क्वायर हटा दें तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी है, ये साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो बस आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ का, फिफ्थ क्वेश्चन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हम एल एच एस से प्रूफ करेंगे और एल एच एस में ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म्स में दिया है, तो आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना है इसको साइन और कॉस के टर्म्स में। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी आपको साइन से डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय साइन ए, ये हुआ न्यूमरेटर, और वैसे ही डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए हमको आरएचएस में कोसेक और कॉट का टर्म्स चाहिए, तो इसको करने से क्या होगा, कॉस और कॉटेक कोसेक और कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। तो ये देखिए, तो ये पूरा हुआ न्यूमरेटर, वैसे ही डिनोमिनेटर को भी अलग अलग कर लेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब देखिए हमने सबको अलग अलग कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो पहले तो लिख लें कॉट ए, साइन साइन कट गया तो ये बचा माइनस वन, और वन अपॉन साइन होता है कोसेक कोसेक ए। ठीक है, ये हुआ न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखिए, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट ए, फिर साइन साइन कट गया ये हो गया वन, और वन अपॉन साइन हो गया कोसेक ए, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस कोसेक है, तो अगर हम माइनस वन को आखिरी में लिख दें, कोसेक को पीछे लिख दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कोसेक ए को आगे लिख रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, प्लस कोसेक ए को यहाँ लिख लो, माइनस वन को आखिरी में लिख लो। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ हम करेंगे, क्योंकि हमें ये लाना है, ये तो इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा ऐसे। तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी हमने यूज़ की थी, हमें पता है कोसेक स्क्वायर होता है इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट को अगर मैं एल एच एस में ले जाऊँ तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन ऐसे लिख सकता हूँ, यानी मैं वन की जगह ये वाला टर्म यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं वन को मिटा के अब क्या लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये पूरा रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब भाई सवाल फिर उठता है, भाई ऐसा क्यों कि, और आंसर फिर वही है, क्योंकि हमको जो आरएचएस में कॉसेक और कॉट के टर्म्स में लाना है, तो हमें इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है कि आ जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए,
अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर यहाँ ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हमने कन्वर्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर में नो चेंज, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हम क्या करें, ये देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये भी है कॉट ए प्लस कोसेक है, तो ये दोनों को हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट ए प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा वन और यहाँ ब्रैकेट में ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है, और माइनस साइन भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं अगर यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये ब्रैकेट हटा दें तो अब क्या बन गया, ये वाला टर्म देखिए और ये वाला टर्म सेम दिख रहा है, ये कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए एंड प्लस वन एंड प्लस वन, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा और खाली ये बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही है आपका आर एच एस, और यही हमको लाना था, तो ये प्रूव हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है फिनिश, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये है सिक्स क्वेश्चन, और इसमें हमें प्रूफ करना है, देखिए यहाँ पे रूट में दिया है वन प्लस साइन है वन माइनस साइन है और यहाँ पे sec और tan है, तो हम क्या करेंगे, हम एल एच एस को लेके चलेंगे और इसको आर एच एस की इक्वल प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं एल एच एस, और ये क्या है वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ये रूट के अंदर है, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा टर्म रूट के अंदर है। अब हम क्या करें इसमें, हम ऐसे केस में क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन ए, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी का साइन चेंज करके बीच वाला आपको मल्टीप्लाई भी करना है फिर डिवाइड भी करना है, ये रूट के अंदर ही होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर रहे हैं रूट के अंदर ही कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या होगा, ये ऊपर है वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है, ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे वन प्लस साइन है और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो फॉर्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर है और ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या है, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए रूट के बाहर, वन प्लस साइन ए, ठीक है। डिनोमिनेटर लेकिन रूट से बाहर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में है वन माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब जो वन माइनस साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, ये कॉस की आइडेंटिटी, तो मैं यही मिटा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉस स्क्वायर ए तो ये हो गया, ठीक है। अब रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये और कॉस से बचेगा, तो दैट इम्प्लाइज वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है सेक ए एंड साइन बाय कॉस होता है टेन ए, ठीक है। तो देखिए आ गया ना, यही हमको लाना था, यही हमारा आर एच एस है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हुआ सिक्स क्वेश्चन, अब इसका अगला करते हैं, तो ये देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ आर एच एस में दिया है
टेन थीटा केवल, और यहाँ पे ये पूरा टर्म है। अब क्या करना पड़ेगा, तो ये ऐसे केस में जो बड़ा टर्म है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो LHS को ही हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए हम क्या करते हैं, LHS में न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा एक कॉमन निकलेगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ऊपर से हमने निकाला साइन थीटा, तो यहाँ बच गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos² θ - 1। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, ऊपर से साइन निकलेगा, नीचे से कॉस निकलेगा, और ये ब्रैकेट में बचा टर्म। अब देखिए ये 1 है, 1 की जगह हम क्या लिखना है, ये आइडेंटिटी याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप कोई भी ऐसी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो क्वेश्चन है इजी हो जाए, तो हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करने वाले। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब आपको अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा कि इस केस में अगर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें ताकि ये सॉल्व हो जाएगा इजिली, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए फायदा क्या होगा इससे, देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने, अब डिवाइड बाय कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 में कर लगाएंगे यही वाला फॉर्मूला, लेकिन जो है ये माइनस में है इसलिए दोनों टर्म इसमें माइनस में हो जाएंगे, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस में होगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में इसीलिए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर ये दोनों माइनस हो जाएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाहर है अंदर है, कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है। ठीक है, अब ये 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाहर है, अब यहाँ पे देखिए 2 कॉस थीटा एंड माइनस 1 कॉस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमरेटर वाला ब्रैकेट वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर वाला कॉमन है, कट जाएगा, तो फाइनली जो बचा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही जो है जो होता है टेन थीटा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं अगला, तो ये 8th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे LHS में साइन कोसेक का होल स्क्वायर फिर कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर और इक्वल टू हमें प्रूव करना है 7 + 10² + cot². अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम LHS से ही स्टार्ट करेंगे, जो बड़ा टर्म दिखे आपको आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको छोटा कर सकते हैं, छोटे को बड़ा करना मुश्किल होता है, बड़े जो टर्म होते हैं उनको छोटा बनाना आसान होता है। तो यहाँ पे हम a + b² और यहाँ भी a + b² फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर a प्लस को सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू को सेक ए। ठीक है, ये एक टर्म हुआ, अब यहाँ दूसरा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना। अब देखिए हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को साथ में जोड़ सकते हैं, ये पूरा लाइन से प्लस में है ना, सारे टर्म जो है यहाँ प्लस है, एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, ब्रैकेट भले बना है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आप जोड़ दें, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जोड़ के ये हो जाएगा 1, तो ये और ये टर्म यहाँ से हट जाएगा, अगले स्टेप में ये बन गया 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म है साइन इंटू कॉस ए, ये होता है 1, आपको मैं यहाँ से अलग से करके दिखा देता हूँ, साइन ए इंटू कोसेक ए, अगर आप ये करेंगे तो साइन ए होता है 1 बाय कोसेक ए इंटू कोसेक ए ऐसा आएगा, तो ये कोसेक कोसेक कट जाएगा, तो यहाँ केवल 1 बचा, तो ये जो है इनका प्रोडक्ट 1 होता है, साथ में 2 है, तो ये तो 2 बचेगा यहाँ। सिमिलरली यहाँ देखिए
कॉस और सेक इनका प्रोडक्ट भी इसी के जैसे ही वन होता है और साथ में यहाँ टू है तो यहाँ पे हमें एक और मिलेगा टू, ठीक है। तो ये टर्म भी गया और ये टर्म भी गया, इनकी जगह हमने टू टू लिख दिया। अब कौन सा टर्म बचा है, ये बचा है और ये बचा है, हाँ कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बचा है। देखिए हम कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कोसेक की आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए की, वैसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है। आप देखिए वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव और सिक्स और ये सेवन, सारे नंबर्स को आप जोड़ दिए तो सेवन तो आ गया ऐसे ही, बाकी क्या बचा कॉट और टेन बच गया, यही हमको लाना था प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए, तो यही हमारा आर एच एस है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाइन्थ क्वेश्चन। तो ये देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है ये, अब ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ sec और sin के फॉर्म में, यहाँ tan और cot के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम LHS और RHS को दोनों साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जहाँ दोनों इक्वल आ गए वहाँ छोड़ देना है, ठीक है। सबको आपको कन्वर्ट करना है sin और cos के टर्म्स में, तो ये तो sin है इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया वन बाय sin a, ठीक है, फिर माइनस sin a, इसको एज इट इज लिख दो, फिर यहाँ पे sec को लिख सकते हैं वन बाय cos a और cos a तो एज इट इज है, फिर इधर इक्वल टू के इधर यहाँ हमें लिखना है वन अपॉन tan a के लिखे tan a की जगह लिखेंगे sin a अपॉन cos a, फिर प्लस यहाँ cot की जगह लिखेंगे cos a अपॉन sin a, ठीक है। अब देखिए सब दोनों तरफ हम सिंप्लीफाई करते चलेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर एलसीएम साइन ए ही आएगा और न्यूमरेटर में ये तो वन ही है, इसमें साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इधर भी एलसीएम डिनोमिनेटर में कॉस ए रहेगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आरएचएस में इधर आते हैं, अब यहाँ भी इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम कॉस ए इंटू साइन हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वन अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए ऐसा रहेगा साइन ए, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे आते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए, फिर दूसरा ब्रैकेट देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए, ठीक है। अब होगा क्या, एक कॉस इससे कट जाएगा और एक साइन इस साइन से कट जाएगा, तो ऊपर एक कॉस और एक साइन बचा, और यहाँ पे देखिए यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इनको प्लस करेंगे तो वन हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इधर क्या बचा, इधर भी वही बचा, तो कॉस ए इंटू साइन ए एल एच एस में बच रहा है और यहाँ भी कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पे देखिए तो एल एच एस और आर एच एस को हम साथ में लेते चलते हैं और यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप करके छोड़ देंगे तो भी ये सही माना जाएगा। तो आपका ये है प्रूफ हो गया कि एल एच एस जो है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज टेंथ क्वेश्चन। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन या टेंथ क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन इक्वालिटी दी है हमें, इसको इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी तीन टर्म हो तीनों इक्वल है और इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रूफ करेंगे कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों इक्वल टर्म है। तो हमें केवल दो किसी टर्म को लेकर उनकी इक्वालिटी को प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले ये वाला प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस टर्म से, ये क्या दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस
कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करें, यहां पे हम कन्वर्ट करेंगे टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में। तो देखिए यही जो टर्म है अब क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इसका एलसीएम तो कॉस स्क्वायर ए ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये यहाँ मिला, होल डिवाइडेड बाय यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस जो हमें है ये वन हो जाएगा, तो अब हमको यहाँ जो मिलेगा टर्म यहाँ बचेगा आपको वन बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में वन बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा और साइन ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन और कॉस साइन बाय कॉस टेन होता है और ये स्क्वायर में, इसीलिए ये हो गया टेन स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पहले जो टर्म इसको प्रूफ कर दिया ये किसके बराबर है, टेन स्क्वायर के, टेन स्क्वायर ए के बराबर है। अब इस सेकेंड के लिए भी हम यही करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, तो मैं इसको रब करता हूं। तो आप देखिए अब सेकंड के लिए हमें करना है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, टेन को लिखेंगे हम साइन बाय कॉस और कॉस को कॉट के लिखेंगे कॉस बाय साइन। तो ये देखिए क्या हो गया, वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और ये जो पूरा है इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये पूरे को आप डिवाइड करेंगे और फिर इसका भी एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब ये जो पूरा है ये पूरा ही जो है होल स्क्वायर है टर्म, तब देखिए क्या होगा, अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये वाला जो टर्म है ये कॉस वाला नीचे चले जाएगा, साइन वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए और इनटू ये वाला टर्म, इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए और इनटू कॉस ए। ठीक है, अब ये पूरा होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका, अलग अलग करके इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कॉस है, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपको एक माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लगाना पड़ेगा, तो हम एक माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए आप माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा ऊपर वाला जो टर्म है, इसलिए हम माइनस यहाँ निकालेंगे, क्योंकि हमें इंटरचेंज करना, क्यों करना है, ताकि इसके बराबर हो जाए। अब ये जो है पूरा जो टर्म है ये होल स्क्वायर है, तो माइनस वाले नंबर का होल स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो हम यहाँ से माइनस को हटा सकते हैं और इसको भी हटा देते हैं ब्रैकेट को। अब जो इसको हम डायरेक्टली ऐसे होल स्क्वायर करके लिखते हैं, क्योंकि जो माइनस है माइनस वन का होल स्क्वायर वन ही होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर के टर्म में। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो आपको माइनस यहाँ लगाना पड़ता, तो अब देखिए क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे अब बच गया केवल साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये आपको प्रूफ हो गया, तो आपको दो बार करना पड़ेगा, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, और दोनों ही इसके बराबर आ रहे हैं टेन स्क्वायर ए के बराबर।
तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो एक एक्सरसाइज थी और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा टफ भी है इसी एक्सरसाइज में। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आया हो, तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, और भी जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा कि कैसे आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, तो आप धीरे धीरे वो डेवलप होता है, एक बार में नहीं आता, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक आप इससे पहले कभी पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एफर्ट लगेगा, ये जो पूरी एक्सरसाइज है कम से कम 2-3 बार करिए बार बार, ठीक है, तब जाके आपका स्ट्रांग हो पाएगा। तो ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए चैप्टर के साथ आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।